ये वाले बाजार के हैं, मतलब ये रेडीमेड वाले हैं और ये घर पे बनाए गए हैं। कितना डिफरेंस, कितना शेप कितनी चाहिए इसकी। हे गाइस, आफ्टर अ ह्यूज सक्सेस ऑफ डोसा एंड पाव भाजी एडिशन ऑफ हाउ नॉट टू कुक, वी हैव कम बैक विद अ न्यू वीडियो अबाउट गोलगप्पास। गोलगप्पे के बिना ना आदमी रह सकता है ना औरत रह सकती है, सो वी थॉट कि हम घर पर ही बनाएं, तो देखते कैसे बनता है क्योंकि हमने आज तक कभी घर पर बनाया नहीं है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। इसमें इक्वल क्वांटिटी में सूजी ली, जैसे ये एक कटोरी, एक कटोरी मैदा, मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं, मैं मैदा डाल रही हूँ। इसमें एक पिंच से भी कम मीठा सोडा डलेगा, जो हम भटूरों में डालते हैं, बहुत कम, बस इतना सा, एक पिंच बस। ये इसमें कोई मोयन नहीं डालना है, ऑयल घी कुछ नहीं डालना है, हल्का हल्का पानी डाल के गूंदेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे क्योंकि सूजी पानी सोख लेती है और फिर वो टाइट हो जाता है। A few moments later, ये आटा देख, ये हल्का हल्का सॉफ्ट है। इसको अब आधे घंटे के लिए गीले कपड़े में रख, सूजी सारा पानी पी लेगी इसका, फिर दोबारा से हम इसको करेंगे। अच्छा, दोबारा करना फिर? हाँ, थोड़ा सा मथेंगे फिर फ्राई, बेलकर फ्राई करेंगे इसको। अच्छा, अभी आधे घंटे के लिए रख दिया, तब तक हम बनाएंगे पानी। इतना सा टुकड़ा अदरक का, दो हरी मिर्ची और एक गड्डी धनिया, एक गड्डी पुदीना, ये धो के ऐसे रखा है, इसको मिक्सी चलाएंगे बस। ये इमली का पानी ये डाल के थोड़ा सा इसकी पेस्ट बनेगी। अच्छा। फिर इसको छानेंगे और मसाले डाल के पानी तैयार है। ये इमली का पानी, नॉर्मली हल्का सा पानी की बजाय इमली का पानी डालेंगे। ये कैसे बनाया? इसे धीरे धीरे हम इसकी पेस्ट बनाएंगे, पतला नहीं करेंगे। अच्छा। ये पेस्ट बनानी है, फिर इसको हम छानेंगे। छाना हुआ भी वेस्ट नहीं होगा, वो आलू के मसाले में डलेगा। दैट इज द ट्रिक ऑफ आलू। ये बनी पेस्ट। इसको सबसे पहले छानेंगे। सारा पुदीना धनिया जो है इसको आलू चने जो गोलगप्पे में भरते हैं उसमें मिक्स करेंगे। लगभग 2 लीटर पानी डालना है इसमें, हम 3 भी डाल सकते हैं जैसे नीड हो, कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा है। इसमें अब डालेंगे मसाले। मसाले हम डायरेक्ट पानी में नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स बन जाते हैं, गिटलियाँ से आ जाती। तो अच्छा। पहले कटोरी में सब कुछ डालेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाल के पेस्ट बना के फिर इसमें पोर करेंगे। ये 1 चम्मच वाइट नमक, 1.5 चम्मच ये सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। ये जीरा तवे पे भून के पाउडर बना लिया हुआ है इसका, नॉर्मली रायते में डालते हैं ऐसे ही। इसमें नॉर्मल वाटर लेंगे, पेस्ट बना के थोड़ा सा लेंगे, ये ऐसा, इसमें लम्स नहीं आएंगे। फिर बिल्कुल रेडी है, अब इसमें कुछ भी लम्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इसको हम इस वाले पानी में डालेंगे। ये सारा इसका ट्रिक पानी का। अब इसमें नींबू डलेगा, पानी अब रेडी है, अब इसको ठंडा होने रख देंगे। जब तक हम अपना आलू का मसाला बनाएंगे, फिर गोलगप्पे बनाएंगे, फिर खाएंगे। कुछ लोग इसमें बूंदी भी डालते हैं, मैं भी डालूंगी। कुछ लोग करारी खाते हैं तो उसी टाइम डालते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट सी खाते हैं, ये सॉगी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अंदर डाल देनी ठीक, अंदाजे से बस थोड़ी सी डाल दो, फ्लेवर आता है, अच्छी लगती है। उसके बारे टेस्ट कर, ऐसी भी लो? हाँ, पी के दे। वही, अभी ठंडा नहीं है ना? अभी ठंडा नहीं है, ठंडे का मजा अलग है। बट नहीं, खत्म हो जाएगा सारा। ये 4 आलू लिए जो गोलगप्पे भरने होते हैं, इसको हल्का सा ऐसे हमने मैश कर लिया। ये काले चने रात को भिगोए थे और सुबह 4 पीसेस में ये बॉयल हो गए। छानी थी जो बची थी ये इसमें डाल दी। अब इसमें वही ऐसे 1/2 चम्मच नमक, धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ये जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ये अमचूर। मसाले वही हैं जो पानी में डाले थे। अच्छा। एक इसमें ट्रिक है, कुटी हुई मिर्च कहते हैं कई लोग,
हम लोग आजकल की जनरेशन चिली फ्लेक्स बोलती है जिसको, हाँ। इसमें वो डालेंगे। अच्छा। मिर्ची के लिए जितना तीखा चाहिए हो, मुझे तीखा पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा। हाँ तुम्हारा भी क्या रखे उतना कम मैं देंगे, पर मैं और डालती हूँ। जैसे हम पराठा बनाते हैं, ये मैश हो जाएंगे सारे, मिक्स हो जाएंगे। कद्दूकस नहीं करेंगे आलू को, क्योंकि कद्दूकस करने से ये लेस छोड़ देगा, गिज्जा गिज्जा सा लगता है, इसकी खुशबू ही अलग होती है। ये बहुत सही खुशबू आ रही है भाई। बड़ी सही खुशबू आ रही है। इसकी खुशबू ही अलग होती है। इसमें काला नमक भी डाला, वो तो डाला ही नहीं भाई, तो मैंने कुछ इसका फ्लेवर तो आई है। आधा चम्मच से भी कम काला नमक, अब आएगा फ्लेवर। वो तो पापा ही बताएंगे सारा। पापा ही बताएंगे हमारे। 10 मिनट वेट करते हैं, फिर हम गोलगप्पे बनाएंगे मेन टास्क। टिल देन 20 minutes later. Welcome back. अब हम गोलगप्पे बनाएंगे फ्राई करने के लिए। ये देखो जो हमने डो रखा था, ये देखो कितना सॉफ्ट हो गया ये। अभी जितना एक कटोरी सूजी और एक कटोरी मैदे का था, इसमें हम ये इक्वली 3 पोर्शन बना लेंगे। चलो दो आप करने में करो। हाँ ठीक है ठीक। बिल्कुल पतला करना है, मोटा भी नहीं। बहुत लोग पूछ रहे थे बनाए कैसे हैं, मैंने 2 दिन पहले बनाए थे। हम पहले सारे बेल लेंगे, क्योंकि फ्राई करने में हार्डली 1 से 2 मिनट ही लगेंगे बस। कुछ कटर्स भी मिलते हैं भाई, मैं तो घर में ऐसे बना रही हूँ, एक डब्बी का ढक्कन है स्टील की, उससे मैं इसको कटिंग करूँगी। साइड से शुरू करेंगे ताकि बीच में ज़्यादा स्पेस मिले। पहले एक परात या बड़ी सी प्लेट में ऐसे कपड़ा गीला करके बिछा लेंगे, जो हम ये गोलगप्पे गीले हुए हैं इनमें रखते जाएंगे, नीचे भी गीला फिर ऊपर भी। अब ये जो कटिंग हुई है साइड से, हम इसको उठाएंगे ऐसे। इसको ऐसे इकट्ठा किया, ये वापस यहाँ रख दिया। अब इसको उठाना है, इसको भी आटा ये सारे दुख से चिपके हुए हैं सब। अच्छा ये देखो बिल्कुल, ये एक साइड से ऐसे किया, बड़े इजीली निकल जाते हैं। ये साइड से ऐसे करेंगे, ये ऐसे निकल गया, ये इसमें लगाते जाएंगे बस। जो अगला वाला मैं करूँगा। ठीक है, और मैं अभी और मिलेगा, पूरा चकला कवर होगा, मेरा देखा नहीं था। तो आप पे दारा भी तो हो सकता है, मेरा कम हो। इक्वल क्वांटिटी की है, पूरा चकला कवर होगा। चकला नहीं तोड़ना, और है भी नहीं, और मिलेगा भी नहीं कहीं से। माँ लॉन्ग में आ रही है बेटा, गुलाब का रहा वाह, क्वारंटीन क्या कैसे कर दिया तुमने, जो ना सोचा वो हो गया। अब कटिंग करो। क्या करोगे इसको, यहाँ से बाहर होगा ना। इसको एक एक करके निकालो और उसमें रखो। फ्री है, फटाफट करो, फ्राई करते हैं। हाय, अब हम करने लगे गोलगप्पे फ्राई। तेल पूरा गरम है, गरम गरम तेल में 4-5 हम डालेंगे और फिर हल्की कर देंगे गैस, वो फुल आएंगे उसको पलट पलट करके। मैं दिखाती हूँ, बन गए तो। हाँ बस अभी ब्राउन हो जाएंगे। हाँ बस मैडम, 2 रह गए, बाकी सारे फूल गए। 2 कौन से रह गए? 1 और 2, ये और ये रह गए। इसके हम पापड़ी बना लेंगे। लाल हो रहे ना, जैसे गुलगुले होते हैं कुछ ऐसे। 2-4 पापड़ी हम आलू के मिक्सर में भी डालेंगे, प्रॉपर बॉम्बे वाला स्टाइल आएगा। रेडीमेड वाले चिमिल तिमिल से हो रहे हैं। ये चावल के हैं, पापड़ी से बनी है तो वो फिर सभी बनती हैं। पापड़ी का क्या है? लो जी, ये वाले बाजार के हैं, मतलब ये रेडीमेड वाले हैं, और ये घर पे बनाए गए हैं। कितना डिफरेंस है, कितना शेप कितनी चाहिए इसकी। मैं फटाफट डालूं और फिर ऐसे करूं, ऐसे करके आगे कढ़ाई नहीं हिले, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में डाल लें और भी। अच्छा
बस फुला के हिलाता रहे, गैस हल्की कर। ये तेल जब चिड़चिड़ करना बंद कर दे समझो चीज़ बन गई है, ऊपर फ्लोट करनी शुरू कर देती है। तो ये भी सीख मिलती है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने हैं। हाँ, एक दूसरे को साइड साइड रखो, ये चिपक जाते हैं। दोबारा मेहनत करनी पड़ी है उसकी। अब तू फ्राई करियो, मैं बेलूंगी। पलटो पलटो। इससे अच्छा तो मैं नहीं फुला देता, पापड़ी पापड़ी बना दी मैंने। आने लौट पूड़ियां बहुत बढ़िया बनाता ना। ये सारे तूने करे हैं? हाँ। तो अच्छा, मतलब रिस्पांस तो अच्छा है जरा तो। आपका तो बिल्कुल ही खत्म है। कोई नहीं, अब देखना। अब देख लेते हैं, अब देखो, अब दिखाओ। पापड़ी। नहीं बना सकता। एक्सपर्ट। पापा आप ना खाने के एक्सपर्ट हो, आप जाओ अंदर। आपका हो गया काम। खा के बताता हूँ फिर। हम यहाँ पे 4 घंटे से लगे हुए हैं, इनको पापड़ियाँ देना है, इनको गोलगप्पे नहीं मिलेंगे। अब पापड़ी खाना। मैं तो ये देखने आया था कि कितने बर्तन रह गए हैं साफ करने के लिए। आज आज मेरा दिन है, आज मैंने फुलाने का वो करने है। इसने मानने है, आपने थोड़ा मानने है। तो अपने इसको बोलने के लिए बोल रहा हूँ ना। आप तो और अच्छे बने हैं। हाँ, पापा के आने के बाद सारा काम खराब हुआ है, जो बात है। अच्छा मैं इसकी दिखाती हूँ आवाज, ये ठंडे होंगे, देखो तोड़ के आवाज आएगी इसके, पता चलता है। ये जो पापड़ियाँ होती है दो चार हम इसमें डाल देंगे, देखो मैं आवाज भी सुनाती हूँ।50 कर दो यार, 47 गोलगप्पे हैं, बाकी पापड़ियां बनी हैं। 46 अभी ये ठंडे होंगे, क्रिस्पी होंगे। हाँ ठंडे होंगे, क्रिस्पी होंगे। अभी हम इसको आधे पौने घंटे तक खाएंगे आराम से बैठ के, हम भी थोड़े रिलैक्स हो जाएं, फिर खाएंगे। उसके बाद मिलते हैं खाने के टाइम। बाय, सी यू। 2 hours later गोलगप्पे तैयार है खाने के लिए। ये देखिए, अब हम इसको लेके जा रहे हैं एक्सपर्ट कमेंट्स लेने के लिए। सैनिटाइज करके, अरे वाह, कोरोना इफेक्ट। नटंकिया, कोरोना इफेक्ट। चीयर्स। लुक तो बहुत अच्छी आई है, गोलगप्पों की भी, पानी की भी और मसाले की भी। ठीक है, अब ये खाते हैं। यम्मी यम्मी, वाओ, थैंक यू। सत्यम ने बनाया है। नहीं, दोनों ने मिलकर ही बनाया है। नहीं मतलब पानी बहुत जबरदस्त। रेडी लगा ले, कौन खाएगा? कोई खाएगा नहीं आज। कोरोना में घर घर खाएंगे, सारी जनानियां पागल हुई पड़ी हैं। बहुत जमी। उन्हीं के लिए तो ये रेसिपी आज ब्लॉग बनाया है। पानी बहुत टेस्टी है यार। ये भी मैं भी ट्राई करूँ। ना आप भी ट्राई करो। ये सेकंड एक्सपर्ट कमेंट्स। अभी तो ये खा रहे हैं, मुंह फुला हुआ है। हाँ जी सर। अंदर से आवाज़ ही निकल रही। सर। समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना। एक और खाओ। स्वाद में सारा नीचे आया था पानी का। अब तेरी दाढ़ गली हुई है ना, तो तेरी आवाज निकली है। बढ़िया बढ़िया, दोबारा बनाने लायक है। हाँ बन जाएंगे, रेडी लगा ले। हाँ लगा लेगा। अब वोट डाल लिया था, वोट डालो। हाँ चलो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। बाय, टिल देन।